मैं आयशा मिर्ज़ा भी खाने इसको आया हूँ। मसाला देखें यार, कि मतलब बहुत ही मजेदार लगा हुआ है। मैंने भी यही सुना था, बड़ी मशहूर है। फुल प्लेट में तकरीबन 1.5 पाव से ज्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग आए हैं न्यू कराची और यहाँ हम खाएंगे यहाँ की फेमस खसरी बिरयानी। सुना है पूरे कराची में इसका कोई जवाब नहीं। ये है मेरा बिरयानी का एपिसोड 6, न्यू कराची खसरी बिरयानी। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई, क्या रेट है बिरयानी के? बिरयानी हाफ प्लेट 250 की है, फुल प्लेट 300 की है और स्पेशल 450। अच्छा, हाफ प्लेट का साइज दिखाओ मुझे, क्या साइज है? हाफ प्लेट का साइज तो इसका छोटा है, मगर इसमें क्वांटिटी तकरीबन 1.5 पाव से ज्यादा होती है। 1.5 पाव से ज्यादा होती है जी। अच्छा, फुल प्लेट में तकरीबन 1.5 पाव से ज्यादा होती है और स्पेशल प्लेट में तकरीबन 0.5 किलो से ज्यादा ही होती है। अच्छा, जबरदस्त। तो एक काम करें, आप हमारे लिए एक हाफ प्लेट लगा दें, बेहतरीन मसालेदार। अच्छा, मसाला कैसा खाएंगे? तेज मसाला दे। तो अब ये बिरयानी ट्राई करके बताऊंगा कि यार यहाँ का जायका कैसा है। मसाला देखें यार, कि मतलब बहुत ही मजेदार लगा हुआ है, स्पाइसी सा मैंने इनको बोला था। चलिए ट्राई करते हैं। ये मैंने थोड़ा मसाला लिया, थोड़ी बोटी ली। लाजवाब, बहुत मजे की है। सेटिंग एरिया का थोड़ा मसला है, लेकिन बिरयानी है एक नंबर, बहुत मजे की बिरयानी। और गोश्त जो है इसका, मतलब बहुत आराम, बहुत सॉफ्ट गोश्त है। बहुत मजेदार। तो मैंने अपनी बिरयानी ख़त्म कर ली और जो कि मुझे टेस्ट में लगी है 10 out of 7। लेकिन ट्राई करना एक बात तो बनता है, टेस्ट इसका थोड़ा डिफरेंट था दूसरी बिरयानी के मुकाबले। अब लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर रिव्यू कहता है कि लोगों को पसंद क्यों है यहाँ की खतरी बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ये खतरी बिरयानी जो खाने आए हुए आप, क्या बात है इसकी? रास्ता के सुना है यहाँ की बहुत मशहूर है न्यू कराची की। आप यकीन करें, मैंने भी यही सुना था, बड़ी मशहूर है। मैं आयशा मिर्ज़ा भी खाने इसको आया हूँ। है जायका है, मगर जो हमने माइंड में बनाया हुआ था ना, वो जायका नहीं मिला। बाकी ये भी अच्छी है, वो नहीं है कि हम बोले बिल्कुल ही सही है। मगर जो सुनते हैं ना, वैसे तो नहीं माइंड बना। अभी आप लोग भी खाएं, आपको भी पता चलेगा कि टेस्ट क्या है।